गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3 जुलाई है, 6:30 AM हो रहा है इस वक्त, और हम लोग अपना निफ्टी व्यू प्रिपेयर कर चुके हैं, ऑलरेडी सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। तो आज ये वीडियो बना रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का आज निफ्टी का मूवमेंट हो सकता है। कल क्या शेयर किया था? कल ये शेयर किया था कि जो 10430 और 10460 का रेजिस्टेंस है, जहां पर निफ्टी का परसों क्लोजिंग आया था, तो उसको निफ्टी तोड़ देगा और कंफर्टेबली तोड़ेगा, बुल्स तोड़ करके उसको आगे निकलेंगे। और जो अगला रेजिस्टेंस है 10530, 10560, या तो उसके ऊपर निफ्टी क्लोज होगा या उसी जोन में निफ्टी क्लोज हो सकता है। तो ये कल हम लोगों ने सुबह व्यू शेयर किया था। कल देखा क्या कि निफ्टी उस लेवल के ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग 10550 के लेवल पर, मीन्स 10530 और 10560 के बीच में ही निफ्टी ने दिया। तो देखते हैं आज का क्या व्यू बनता है। आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, वो अगर हमारे व्यू जो फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली अप्रैल और मई से, वो ये जानते होंगे कि हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया था 10560 का। ये 10560 लेवल है क्या एक्चुअली? ये 10560 लेवल वो लेवल है जो अगर आप 20 जनवरी जब से फॉल आया, तब से अगर आप 23 मई जहाँ से रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ 7510 से, आप अगर इस पूरे मूव को ऊपर की तरफ रिट्रेस करें, तो जो 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल आता है, जिसको हम लोग गोल्डन मीन कहते हैं, वो 10560 पे आता है। इसलिए 10560 बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर इसके ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग आती है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा बुल्स के लिए, और बुल्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस को यहाँ से कैरी कर पाएंगे और हमको एक बहुत स्ट्रांग अपमूव देखने को मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और भी शेयर करता रहा हूँ कि जो इंडिया विक्स है, अगर आप एवरेज देखेंगे 2008 के बाद से, तो एक एवरेज रीडिंग 20 के नीचे रहती है। 20 के नीचे रेट, इस रीडिंग को आप केवल इस तरह से ना देखें कि एक ये फियर इंडेक्स है। बेसिकली इंडिया विक्स को इस तरह से भी देखें, वॉलीटिलिटी इंडेक्स को, कि अगर ये 20 के नीचे रहता है तो एक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मॉडरेट रहता है, खुशनुमा अच्छा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनीज अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती हैं, नया अपना जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं या जो नया कैपिटल रेज करती हैं, उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती हैं, जिससे क्या होता है प्रोडक्शन बढ़ता है और सप्लाई बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसलिए एक एवरेज इंडिया विक्स की रीडिंग 20 के नीचे होना इम्पॉर्टेंट है। जो कल इंडिया विक्स की रीडिंग आई है 26.51 आई है, आई थिंक आफ्टर 20th ऑफ जनवरी 2020 ये लोवेस्ट इंडिया विक्स की रीडिंग है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि कंफर्ट लोगों में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में और अक्रॉस द इकोनॉमी कहीं ना कहीं कंफर्ट आ रहा है। अब बुरी खबर किनके लिए है, जो 4000 निफ्टी का लेवल देख रहे थे, तो आई एम सॉरी फॉर देम। मैंने हम लोगों ने, शरद मिशन एसोसिएट्स ने 23 मार्च को ही करीब 7740 के लेवल पर निफ्टी का भी बाय दिया था, स्टॉक्स का भी अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था। उसके बाद रेगुलरली हम लोग प्रॉफिट बुक हर निफ्टी के मूव में करते रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट्स को भी बुक हुआ है, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द क्लाइंट्स, टू ऑल द फॉलोअर्स। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ईगो नहीं रखना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट नए लोज नहीं बनाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, अभी भी हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। अभी हमको नहीं आइडिया है कि आगे और क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होने वाला है, क्या चैलेंजेस हम लोग इकोनॉमी में फेस करने वाले हैं। सो अब आते हैं निफ्टी व्यू की तरफ। तो आज का डेटा क्या दिखा रहा है? पहले हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा आपके सामने दिख रहा है, पार्टिसिपेंट वाइज एक्टिविटी 2 जुलाई की देखते हैं और समझते हैं क्या हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें क्या हुआ है। क्लाइंट्स ने क्या किया है, 5.7% की शॉर्ट पोजिशंस को बढ़ाया है, 4.44% की शॉर्ट लॉन्ग पोजिशंस को घटाया है। कहीं ना कहीं उनको ऊपर की तरफ डर लगता है कि 10530, 10560 बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। एफआईआई ने क्या किया है, एफआईआई बुलिश है। एफआईआई ने लॉन्ग पोजीशंस को 15% बढ़ाया और शॉर्ट पोजीशंस को 10% घटाया। तो अब ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस 48.35% पे आ गई और शॉर्ट पोजीशंस 51.65% पे आ गई हैं।
जो आप कहीं ना कहीं ये लेवल देख रहे हैं, यहाँ पर मैं 15.06 10.09% का लेवल दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर मार्केट पार्टिसिपेंट की पोजीशंस देखें तो अब लॉन्ग पोजीशंस 51.28% हो जाती हैं, शॉर्ट पोजीशंस 48.72% हो जाती हैं यहाँ पर। तो ये क्या दिखाता है, इंडेक्स फ्यूचर्स का एक और डेटा देखते हैं कि एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 705.91 करोड़ का बाय किया है, बुलिश पोजीशन एफआईआई ने बनाई है। एफआईआई को लगता है कि 10530 10560 अच्छे से आज ब्रीच हो जाएगा और हम लोग ऊपर के लेवल देखेंगे, सो पार्टी फॉर बुल्स। इंडेक्स ऑप्शंस देखते हैं क्या व्यू है। इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो कल चूंकि वीकली एक्सपायरी थी तो क्लाइंट्स ने भी अपनी 38% पोजिशन लॉन्ग काटी, 40% शॉर्ट पोजिशन काटी। FII ने भी अपनी 11.8% लॉन्ग पोजीशंस काटी और 17.4% शॉर्ट पोजीशंस काटी। तो क्या हुआ, FII ने अपनी शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा काटी, लॉन्ग पोजीशंस थोड़ा सा कम काटा। तो ये भी एक बुलिश बिहेवियर दिखाता है कि किस तरह से अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स ऑप्शंस में भी FII ने बनाए रखी हैं। ओवरऑल पोजीशंस देखें तो अभी भी FII का 52.99% शॉर्ट साइड पे खड़ा है, लॉन्ग 47% है और क्लाइंट 50.8% है और शॉर्ट 49.2% है। ओवरऑल देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशन 50.86 और लॉन्ग पोजीशन 49.14% पर हैं। तो ये क्या दिखाता है कि आज के लिए हमको थोड़ा बुलिश एक व्यू बना करके FIIs गए हैं कल और अपने लॉन्ग इंडेक्स ऑप्शंस में भी कैरी करके गए हैं। एक डेटा और देखते हैं कि FII ने इंडेक्स ऑप्शन में 2731.71 करोड़ की बाय किया है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस दोनों में FII ने बाय किया है। ये जो हमको FII का डेटा देखने को मिल रहा है ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि अक्रॉस द डेरिवेटिव्स बोर्ड FII बाय करके जा रहा है, तो वो आज हमको डेटा देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक फ्यूचर्स को देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स में पहले समझते हैं FII ने क्या किया। तो FII ने स्टॉक फ्यूचर में 667.27 करोड़ का बाय किया, फिर बाय किया। लगातार पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में FII बाय कर रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स ले रहा है। तो आपको स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छी लॉन्ग पोजिशन देखने को मिलेगी और स्टॉक्स जो भी NSE FNO स्पेस के स्टॉक्स हैं सब अपने लो से रिट्रेस करके एक अच्छा मूव दे रहे हैं। ये दूसरी बात है कि मैं उसको अलग ढंग से कहता हूँ कि गधे और घोड़े सारे दौड़ रहे हैं। सो आप देखें कि कौन गधा है कौन घोड़ा है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि जो घोड़ा होगा उसका रिट्रेसमेंट कम होगा, वो जब मार्केट गिरेगी तो थोड़ा सा कम गिरेगा, क्योंकि हम लोग लो से रिकवर कर रहे हैं तो इस तरह का यूफोरिया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहें, अच्छे स्टॉक्स में ही पोजीशंस लें। अब स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशंस देखते हैं तो क्लाइंट्स ने क्या किया, 2% लॉन्ग पोजीशंस घटाई, शॉर्ट पोजीशंस में बहुत कोई चेंज नहीं किया। FII ने 1.15% का लॉन्ग पोजीशन बढ़ाया, शॉर्ट पोजीशन 0.94% बढ़ाया। DII का डेटा बहुत थिन होता है लेकिन 3.95% का लॉन्ग पोजीशन बढ़ाया। ओवरऑल न्यूट्रल पोजीशन है, मैं न्यूट्रल को भी बुलिश मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो FII ने स्टॉक फ्यूचर्स का बाय किया है उसको मैं बुलिश मानता हूँ, तो ये डेटा भी मेरे लिए बुलिश है। अब स्टॉक ऑप्शंस को देखें तो स्टॉक ऑप्शंस में क्या हुआ है, क्लाइंट्स ने 2.29% का लॉन्ग पोजीशन बढ़ाया, शॉर्ट पोजीशन 8.5% बढ़ाया। FII ने क्या किया, लॉन्ग पोजीशन को 8.9% बढ़ाया और शॉर्ट पोजीशन को 4.9% बढ़ाया। तो ये मेरे लिए एक मॉडरेटली बुलिश डेटा है। इसको मैं किसके साथ रखता हूँ, जो FII ने स्टॉक ऑप्शन में 158.71 करोड़ का बाय किया है उसके साथ अगर मैं इस डेटा को क्लब करूँ तो ये एक बुलिश डेटा बनता है। तो इस तरह से हम देखें कि अक्रॉस द बोर्ड FII का एक बुलिश पोजिशन है। FII का इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन की सारी पोजीशंस देख ले तो नेट पोजीशन बाय बनती है, बड़ी बाय बनती है 4263 करोड़ की, जो दिखाता है कि FII कितना बुलिश है और एक ब्रेकआउट देख रहा है 10,530 10,560 जोन का और वो गोल्डन मीन का, और ये एक बहुत ही बुलिश व्यू है। इंपॉर्टेंट क्या है, FII ने स्टॉक कैश में 557 करोड़ की सेल किया है, DII ने 909 करोड़ का बाय किया है। रेगुलरली मैं देख रहा हूँ, मैं शेयर भी करता हूँ, FII कैश में थोड़ा सा लैग करता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि FII की बाइंग थोड़ी लेट शुरू होती है, DII नीचे लेवल पे बाय कर लेता है। जब 9800 के लेवल पर
8800 के लेवल पर, 9000 के लेवल पर, जब FDII ने बाय करना शुरू किया था 17 मई के लगभग, और उससे पहले भी जब कभी एक सेल ऑफ आया है तो FII वो टाइम भी सेल करा था। FII को बहुत देर बाद बाय करने का एक सिग्नल आया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए DII लगातार बाय कर रहा है, तो मैं FII के सिग्नल के स्टॉक कैश के सेल को इग्नोर करता हूँ। मैं DII के जो स्टॉक कैश का बाय करता है उसको एक पॉजिटिव सिग्नल मानता हूँ। मुझे लगता है DII जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक कैश का कॉल लेता है, और उसको बॉटम और टॉप बहुत अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर देखें तो नेट कैश 352 करोड़ का इनफ्लो आया है। इंडिया विक जैसे मैंने शेयर किया, लोएस्ट रीडिंग है 20 जैन के बाद। निफ्टी PCR 1.61 क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग होगी, होने की पॉसिबिलिटी है 10,550, 10,600, 10,650 पर। तो आज जो मैंने लेवल दिया है, मैंने 10,650 के लेवल एक के ऊपर के लगभग एक लेवल दिया है, जहाँ पर मैंने बोला है कि निफ्टी जा करके या तो उस रेंज में बंद होगा या उसके ऊपर जा करके बंद होगा। देखते हैं वो लेवल क्या है। तो ये ओवरऑल डेटा क्या दिखाता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, आज का डेरिवेटिव्स का, कि मार्केट बुलिश है, तो हमको 10,530, 10,560 टूटता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है हमको। ऑप्शन चेन देखिए, बेस कहाँ बन गया है बुल्स के लिए? बेस बन गया है 10,340, 10,380। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक ये बेस नहीं टूटता है बुल्स अपनी लॉन्ग पोजिशन में बने रहेंगे, बेयर्स इसको नहीं तोड़ पाएंगे। 10,430, 10,480 जो बोन ऑफ कंटेंशन था, वहाँ क्या हुआ है? वहाँ बुल्स ने अपनी पोजिशन को मजबूत किया है। 13.39 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट का, 4.46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल का। आज भी बेयर्स इसको नहीं तोड़ पाएंगे, बी रेस्ट अश्योर्ड, जिस तरह का डेटा हमने अभी डेरिवेटिव्स का देखा है। 10,530, 10,560 फिर वही इंपॉर्टेंट जोन, जिसको 560 को क्लोजिंग बेसिस पे टूटना जरूरी है, इसको बुल्स आज तोड़ देंगे, कंफर्टेबली तोड़ देंगे। जबकि यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट 9.73 लाख है, अगेंस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट 13.42 लाख, बट मुझे लगता है आज ये लेवल टूटेगा। कहाँ रेजिस्टेंस आएगा? रेजिस्टेंस आएगा 10,645, 10,675, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉल का ओपन इंटरेस्ट 17.35 लाख है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 3.64 लाख है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो या तो इस जोन में होगी 10,645, 10,675, या इसके ऊपर होगी। ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है कि इस लेवल से रेजिस्टेंस ले और नीचे आ जाए, लेकिन एक हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि 10,645, 10,675 के लगभग क्लोजिंग होगी। कोई भी क्लोजिंग जो 10,560 के ऊपर आती है वो बुल्स के लिए पॉजिटिव हो सकती है। ये डेटा अगर ऐसा होता है, 10,560 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो हम लोग मंडे को या उससे पहले ही मैं व्यू दूंगा अपना, शेयर करेंगे कि वो क्लोजिंग का मतलब क्या है। लेकिन 10,560 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग बुल्स के लिए बेहद पॉजिटिव। उसके ऊपर लेवल क्या है? अगर 10,645 10,675 का ऊपर का लेवल, और मैंने डिस्कस किया है आज नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन लेवल क्या है वो है 10,740, 10,755। इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी एक यूफोरिया आता है और बहुत अच्छा लेवल इस लेवल पे आता है, तो एक वैसे तो मैं शॉर्ट के लिए किसी को व्यू अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर 10,560 टूटेगा तो प्लीज शॉर्ट ना बनाएं, दूर रहे। ये नहीं है कि शॉर्ट में पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसलिए अभी अपने हॉर्सेस को होल्ड करें और शॉर्ट ना करें। 10,740, 10,755 का मजबूत रेजिस्टेंस, आज उसको बुल्स नहीं तोड़ पाएंगे। इस तरह से ओवरऑल व्यू क्या बनता है? 10,340, 10,380 आज बुल्स का बेस है, अभी इसको बेस नहीं तोड़ पाएंगे। 10,430, 10,480 का मजबूत सपोर्ट है, इसको बेस भी नहीं तोड़ पाएंगे। 10,560 एक मजबूत रेजिस्टेंस है, इसको आज बुल्स तोड़ देंगे कंफर्टेबली। 10,645, 10,675 बेहद मजबूत रेजिस्टेंस है, लेकिन आज की क्लोजिंग इसके अंदर या इसके ऊपर हो सकती है। 10,740, 10,755 का एक मजबूत रेजिस्टेंस है, लेकिन आज इसको बेयर्स नहीं तोड़ पाएंगे। अगर कोई एक बाउट आता है, एक अच्छा कैंडल आपको ऊपर की तरफ दिखता है, तो वहां से एक सेल ऑफ आएगा, जो इंट्राडे सेलर्स है सेल करके जाएंगे। 10,560 20 जनवरी से 23 मार्च की गिरावट के रिट्रेसमेंट का गोल्डन मीन है, इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है आज के दिन में तो बुल्स के लिए बेहद अहम है। वैसे भी हमने नीचे के लो से, 23 मार्च के लो से 60% रिट्रेस कर दिया है,
तो ये बहुत अच्छा ये मूव है बुल्स के लिए। सो ये ओवरऑल व्यू था। थैंक्स फॉर फॉलोइंग शेयर मिशन एसोसिएट्स, थैंक्स फॉर फॉलोइंग निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार।